कैसे हैं आप सब लोग। किचन विद नौरीन में मैं हूं आपके साथ। और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, हर दिल अजीज़ है और गर्मियां तो आ ही चुकी हैं अब तो। आज मैं बनाने जा रही हूं मटका कुल्फ़ा, तो बहुत ही मज़े का बनता है, तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी ये मटका कुल्फे की रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, हाफ लीटर दूध की मैं बना रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हम इसको थोड़ा रिड्यूस भी करेंगे, तो इसलिए ये मैं बना रही हूँ। ये है 600 ml की है ये। और यहाँ पे मैंने ले लिया है खोया, ये मेरा होममेड खोया है, फ्रेश मिल्क से बनाया था मैंने। और ये है 150 ग्राम। और इसके अंदर मैं डालूँगी ब्रेड, तो यहाँ पर मैंने 2 स्लाइस ले लिए हैं, तो इसको मैं ब्रेड क्रम बनाऊँगी और फिर हम इसको डालेंगे चॉपर में डाल के, मैं इसको कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने ली है चीनी, और चीनी मैंने ली है 4 टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा चीनी इसमें नहीं जाएगी, क्योंकि हम दूध को भी जो है वो थिक करेंगे तो वो ऑलरेडी मीठा हो जाता है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून, इनफ होगी, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और थोड़े से मैंने यहाँ पे ले लिए हैं पिस्ते और बादाम, ये भी ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 3 अदद यहाँ पे मैंने ले ली हैं ये हरी इलायची, तो ये भी डालेंगे दूध के अंदर। और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर केवड़ा वाटर, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो चलो जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और इस कुल्फे को जो है वो मैं इस मटकी में बनाऊँगी, तो ये भी मैंने ले ली है 1 अदद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 अदद पैन, इसके अंदर मैं डालूँगी दूध, और फ्लेम को मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ था। तो इसको जो है हम तकरीबन 15 मिनट तक जो है मैं इसको चलाऊँगी, और चला चला के इसको थोड़ा गाढ़ा करूँगी। तो जब तक ये गाढ़ा होगा, तो चले हम अपनी ब्रेड को जो है चॉपर राइस कर लेते हैं। तो ये देखिए, ब्रेड को जो है मैंने इस तरीके से कर लिया है, क्रम बना लिया है इसके, और इसको मैं डालूंगी दूध के अंदर, लेकिन दूध थोड़ा बॉईल होगा उस वक्त डालेंगे इसको। तो दूध के अंदर मैं डालूंगी खोया और चीनी, तो इसको डाल के हम पकाएंगे दोनों चीज़ों को। तो दूध को देखें, इस तरह से 1-2 बॉईल आ चुके हैं, और इसको अभी सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, और ये जो साइडों पर लग जाता है इसको हम सारा निकालते रहेंगे, और इसको अपनी कुल्फ़ी के अंदर डालेंगे हम ज़रूर। तो पैन के अंदर कुछ भी लगे नहीं रहने दीजिएगा। तो इसके अंदर मैं डालूंगी ये इलायची, और साथ ही में मैं डाल दूंगी इसकी चीनी, और खोया भी मैं इसके साथ ही में डाल दूंगी। आप खोए का भी देख लीजिएगा कि कुछ जगहों पे खोया मीठा मिलता है, तो अगर मीठा खोया हो तो चीनी को आप थोड़ा कम कर लीजिएगा। तो ये मैंने घर में ही बनाया था, तो ये दूध को मैंने रिड्यूस कर करके बनाया, तो ये मीठा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून डाली है चीनी। बस इसको बिल्कुल इसके अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे, और इसको अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे। तो ये देखें, इसके अंदर जो है अच्छे से जितना भी मैंने खोया डाला था, वो देखें इस तरीके से बिल्कुल दानेदार सा हो गया, पूरा डिज़ोल्व हो गया है। और इसको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है वो थिक करेंगे दूध को। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम मैंने इसके अंदर थोड़े से रोक लिए हैं, आप समझ लें, इसको मैंने ये 1.5 मैंने 1 स्लाइस डाला है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, क्योंकि मेरी जो है दूध की क्वांटिटी कम है, तो मैंने बना लिया था 2 का, लेकिन डाला मैंने इसके अंदर 1.5 है। तो बस अब हमने इसको पकाना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको पकाएंगे लो फ्लेम के ऊपर, तब तक ये गाढ़ा हो जाएगा, ये देखें। और बस हमारा कुल्फ़ा जो है वो जमने के लिए तैयार हो जाएगा, बहुत ही जल्दी से ये बन जाता है। तो आप लोग इस गर्मी में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। तो ये देखें, अच्छे से जो है कुल्फे का मिक्सचर गाढ़ा हो चुका है, ये देखें। और बस इस स्टेज पे मैं थोड़े से इसके अंदर डालूंगी बादाम, बादाम को मैंने स्लाइस कर लिया था, और थोड़े से डालूंगी इसके अंदर पिस्ते, ये मेरे पास पहले से कटे रखे हुए थे, तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। और बस अब मैं इसका करूँगी फ्लेम को बंद, और इसको थोड़ा सा पहले मैं ठंडा करूँगी, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा केवड़ा वाटर। अगर हम गर्म में ही डाल देंगे तो उसकी इतनी ज़्यादा जो है वो खुशबू इन्हेंस नहीं होगी। तो बस इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी मैं, और इसके अंदर फिर बाद में डालूँगी। देखिए, ये मैंने इसमें निकाल लिया था, और ये तकरीबन ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा केवड़ा वाटर, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें,
मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। और अक्सर ये होता भी है जो हम बाहर से कुल्फ़ी लेके खाते हैं। ये देखें, ये ज़बरदस्त सा जो है मिक्सचर तैयार हो गया है। अब मैं इसको डालूँगी इस मटकी के अंदर। ये देखें, अच्छे से जो है ये इसके अंदर आ गया है पूरा। ये हाफ़ के जी मिल्क का, हाफ़ के जी इसके अंदर जो है ये हमारी बनेगी कुल्फ़ी ज़बरदस्त सी। इसके अंदर मैं डालूँगी ये पिस्ते, थोड़े से डालूँगी बादाम, और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पहले अंदर भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए कितना गाढ़ा इसका मिक्सचर बना है, बहुत मज़े की बनती है ये वाली कुल्फ़ी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, गर्मियाँ भी आ गई हैं और बहुत ही कम चीज़ों से ये बनी है। बस ये तैयार हो गई और इसको मैं रखूँगी 6 से 8 घंटे के लिए। इसको रखूँगी फ्रीज़र के अंदर। तो पिस्ते इसमें ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो बच गया है वो भी डाल देती हूँ मैं। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। और इसको जो है मैं इस तरीके से फॉइल से कवर कर दूँगी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो है आप रबर बैंड भी लगा सकते हैं। और इसके ऊपर जो है बस यही लगेगा, और लेड वगैरह तो इसका होता नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है मटकियाँ तो आप इसको पेपर कप्स जो होते हैं उसमें भी जमा सकते हैं, किसी भी मोल्ड के अंदर इसको जमा सकते हैं आप, कोई भी कंटेनर हो आपके पास। ज़रूरी नहीं है कि मटका ही हो आपके पास, लेकिन ये बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो मटकी के अगर अंदर आप बनाएंगे तो बहुत ही इसके अंदर सोनी सोनी सी जो है वो मटकी की खुशबू भी आती है मट्टी की। तो कोशिश करिएगा कि आप इसी के अंदर बनाएं। तो चले इसको मैं रखती हूँ फ्रीज़र में और आपको मैं दिखाऊंगी 8 घंटे के बाद। ये देखें, इसको ओवरनाइट से मैंने रखा हुआ था मटका कुल्फ़ी को, और अब ये हो चुकी है तैयार। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी ये बनके तैयार हुई है। इसको मैंने अभी ही निकाला है फ्रीज़र में से, तो इसको मैं ज़रा 5-10 मिनट का रेस्ट दूंगी ताकि ये थोड़ी सी जो है ये इसका जो ये है थोड़ा सा ही होगा, निकालने के काबिल होगा ये। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो इसको सॉफ्ट बनाने के लिए इसके जो हमने दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा किया था उसकी वजह यही थी कि इसके अंदर जो है वो क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो ये देखें मेरी कुल्फ़ी बन के तैयार हो गई है। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ये मटका। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।